नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मऊ के जंगल के इलाकों में अक्सर मूवमेंट करने वाली नीलगाय का बीते कुछ दिनों से शहर से सटे इलाकों के आसपास लगातार मूवमेंट बढ़ा है। शुक्रवार को सुबह 3 घंटे के भीतर ही नीलगाय के 3 अलग अलग मूवमेंट के चलते वन विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसमें कहीं नीलगाय कुएं में गिरी तो कहीं पर कुत्तों के हमले से घायल हुई तो कहीं वाहन की चपेट में आने से मौत भी हुई। शहर से सटे इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार नीलगाय का मूवमेंट होने से वन विभाग अलर्ट पर है। इसमें वन विभाग को लगातार नीलगाय द्वारा खेत में नुकसान करने, कई वाहन से टकराने तो कहीं रहवासी इलाके में घुसने की सूचनाएं मिल रही थी। वहीं शुक्रवार को तो एक ही दिन में 3 घंटे के भीतर ही 3 अलग अलग स्थानों से नीलगाय के मूवमेंट की जानकारी वन विभाग को मिली, जिसके बाद वन विभाग की अलग अलग टीम ने मौके पर पहुंचकर नीलगाय का रेस्क्यू किया। इसमें एक मूवमेंट में तो मुख्य मार्ग पर वाहन की चपेट में आने से नीलगाय की मौत भी हो गई। वन विभाग के डिप्टी रेंजर पवन जोशी ने बताया कि शुक्रवार को 3 अलग अलग स्थानों पर नीलगाय का मूवमेंट हुआ था, जिसमें एक में नीलगाय को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, एक में नीलगाय को घायल अवस्था में पशु चिकित्सा अस्पताल पहुंचाया तो एक में नीलगाय की वाहन की चपेट में आने से मौत हुई।